बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमित पीआर टेक्निकल में। तो देखो, हम लोग इस वीडियो में ये जानेंगे कि देखिए, बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे कि भाई एनएफटी कैलेंडर के बारे में बताओ। तो एनएफटी कैलेंडर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो एनएफटी कैलेंडर होता क्या है? तो देखिए, एनएफटी कैलेंडर की अगर हम बात, जिस तरीके से किसी भी सरकारी नौकरी, जब भी कोई सरकारी नौकरी निकलती है तो उसके लिए एक कैलेंडर जारी होता है। ध्यान दीजिए, आप लोग थोड़ा सीखना पड़ेगा जिस तरीके से आप लोगों को। तो कैलेंडर के बारे में अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो कैलेंडर एक समझ लीजिए सारणी टाइप की है। आपको पता चलेगा कि इस महीने में इस तारीख को कौन सी बढ़िया सी एनएफटी आ रही है। और ये कैलेंडर जारी कराते हैं वो लोग जिनके पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है और उस प्लेटफॉर्म का वो लोग इस्तेमाल करते हैं। इंडिविजुअली मैं चाहूँ तो मैं भी उस वेबसाइट पर जाके अपना एक एनएफटी को लिस्ट करा सकता हूँ और मैं उसको एक टाइम दे दूंगा कि ये मेरी एनएफटी है और ये एनएफटी मेरी इस स्मार्ट चेन पर, यानी बाइनांस स्मार्ट चेन पर या पॉलीगन पर या किसी भी स्मार्ट चेन पर मैं इस दिन इसको पोस्ट करूंगा। तो जिसको भी खरीदना है वो लोग संपर्क कर सकते हैं और मैं उसको वॉलेट का अपना एड्रेस दे दूंगा और उस एनएफटी का जो, जैसे मैं लिस्ट करूंगा तुरंत ही, उसका मैं पूरा बायोडाटा वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ये तरीका है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन सी वेबसाइटें हैं। सबसे पहले वेबसाइट के बारे में देख लेते हैं। देखिए, आपको फोन की स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, वेबसाइट का नाम, इसका नाम है एनएफटी कैलेंडर। ठीक है, nftcalendar.io पर आप जाएंगे, वहां पर देखिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा टुडे ड्रॉप्स, अपकमिंग, यानी कौन कौन सी आने वाली है करेंसी। ठीक है, आपको कौन कौन सी करेंसी आने वाली है तो यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा। जैसे आप nft.calendar.io पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एनएफटी कैलेंडर का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे देखिए अपकमिंग में, यानी जो आने वाली जो एनएफटी जिन्होंने बनाई है, लोगों ने पोस्ट किया है यहाँ पर, देखिए एक मंकी वाला ये है और ये बहुत सारी आपको यहाँ पे देखिए सारी की सारी आपको एनएफटी यहाँ पर मिल रही है और ये पूरी की पूरी लिस्ट हो जाएंगे। अब आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप भी कोई एनएफटी अगर बना रहे हैं तो आप किस तरीके से उसको लिस्ट कराएंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे थ्री डॉट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है टुडे, अपकमिंग, ऑनगोइंग और न्यूज़, क्रिएटर का एक ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे क्रिएटर का। उसके बाद इवेंट लिस्ट आप इवेंट कर सकते हैं यहाँ पर, न्यू डिस्कवर कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्रिएटर पे जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समय ले रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये सारे लोग क्रिएटर हैं यहाँ पे, जो लोग अपना लिस्ट कराए हुए हैं ये लोग सारे क्रिएटर आपको दिख जाएंगे यहाँ पर। तो अपना आप यहाँ पे अकाउंट बना लेंगे और उसके जैसे यहाँ पे अपना अकाउंट यहाँ पर बनाएंगे तब आपको क्या करना है, आपको अपनी एनएफटी को यहाँ पे लिस्ट भी करा सकते हैं यहाँ पे। तो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो अपनी यहाँ पे एनएफटी भी लिस्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टुडे वाली एंड इनकमिंग एंड आउटगोइंग सारी की सारी एनएफटी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। दूसरी वेबसाइट की मैं बात करूँ अगर, तो दूसरी वेबसाइट है जो एनएफटी कैलेंडर के लिए भी है, वहाँ पे आप अपनी एनएफटी को आप वहाँ पे शो करा सकते हैं। तो देखो उस पर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दो तीन वेबसाइटें हैं जो कि बेसिकली यही काम करती हैं एनएफटी का ही। ठीक है, देखो यहाँ पे एक और है nft.calendar.io के बाद। यहाँ पे देखिए आप बेनांस की एक्सक्लूसिव एनएफटीज बेनांस में भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे अपना लिस्ट करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए एनएफटी ड्रॉप नाम का एक अपकमिंग अभी वेबसाइट आने वाली है, तो ये एनएफटी ड्रॉप के नाम से है और यहाँ पर भी आप अपने एनएफटी को यहाँ पे लिस्ट करा सकते हैं। लिस्ट कराएंगे लेकिन अपलोड आपको कब करना है, मान लीजिए मुझे जनवरी फरवरी चल रहा है और मुझे मार्च में, 1 मार्च को मैं अपनी एनएफटी को मैं ला रहा हूँ बाइनांस स्मार्ट चेन पर लेके आ रहा हूँ, या फिर मैं इथेरियम मेन नेटवर्क पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, इथेरियम मेन नेटवर्क पे मैं उसको, या पॉलीगन पे, जैसे आप चाहें, जहाँ भी चाहें आपकी इच्छा है। तो मान लीजिए मैं इथेरियम पे लेके आ रहा हूँ, उसको इथेरियम पे मैं लिस्ट करूँगा 1 मार्च को, लेकिन उसकी पब्लिसिटी तो भी करनी जरूरी है ना, ताकि लोगों तक पहुँचे, उसकी वैल्यू बढ़े। ठीक है, समझ रहे हैं, उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए मैं सारे ये काम कर रहा हूँ। तो मैं उसको क्या करूँगा, ये सारी वेबसाइटें जो मैंने बताई हैं आपको, एनएफटी कैलेंडर हो गया आपका और उसके बाद एनएफटी ड्रॉप्स कैलेंडर हो गया, ठीक है, नेक्स्ट एनएफटी ड्रॉप हो गया ये आपका, तो ये सारी जितनी वेबसाइट है मैं क्या करूँगा कि वहाँ पर अपना एक पोस्ट क्रिएट करूँगा और अपनी एनएफटी का जो कॉपी है, फोटो है, मैं उसका फोटो वहाँ पर अपलोड करूँगा और वहाँ पर लिस्ट करने के लिए बोलूँगा कि 1 तारीख को ये लिस्ट हो जाएगी। समझ रहे हैं आप, 1 तारीख को ये लिस्ट हो जाएगी और लेकिन सारे राइट आपके पास रहेंगे, अगर कोई कॉपी करता है तो आपके पास पूरे राइट रहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो जैसे ही आप अपना यहाँ पे लिस्ट कराएंगे तो लोग देखेंगे वहाँ पर, और जैसे ही लोग देखेंगे तो आप जिस दिन आप लिस्ट कराएंगे तो उसकी वैल्यू एकदम बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं पब्लिसिटी कराना, यानी समय से पहले बता देना और उसके एडवर्टाइजमेंट, एक तरीके से आप एडवर्टाइजमेंट ही कर रहे हैं उसका, समझ रहे हैं, तो एक तरीके से आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं भी एक एनएफटी क्रिएटर हूँ, मैं भी एनएफटी को क्रिएट करता हूँ, तो आप लोग मेरे स्टोर में आके और यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। तो ये हो गया पूरा एनएफटी का।
मैंने आपको बता दिया एनएफटी के बारे में, और आपको किस तरीके से एनएफटी को आपके क्या कहते हैं फाइवर पे आप डाल सकते हैं, और आप मेटामास्क पर भी आप एनएफटी को अपलोड करके वहां से भी पैसा कमा सकते हैं। मेटामास्क पर मेटामास्क की सहायता से आप करेंगे बेसिकली, ये है मेटामास्क की हेल्प से आप लोग एनएफटी को अपलोड करते हैं। जैसे बहुत सारी एक एनएफटी क्रिएट करने की बहुत सारी वेबसाइट हैं, मैं एक दो का नाम बता देता हूँ आपको। मेटामास्क से अगर आप ओपन सी को कनेक्ट करेंगे तो वहाँ ओपन सी के थ्रू आप मेटामास्क से कनेक्ट हो जाएंगे, और ओपन सी एक लार्जेस्ट वेबसाइट है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनएफटी क्रिएशन वेबसाइट है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो एनएफटी को क्रिएट करते हैं, बाई सेल को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाई सेल होता है, और इनके नाम रिकॉर्ड भी है, अच्छा खासा रिकॉर्ड है इनके नाम, तो बहुत अच्छी बात है। ओपन सी पे अपना अकाउंट बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मेटामास्क में जाना पड़ेगा। मैंने वीडियो बना दिया है इसमें, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में भी आप चेक कर सकते हैं, चैनल पर विजिट कर लीजिए और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए यार, तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए प्लीज़ आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जितनी भी फ्यूचर की जितनी भी वीडियो हैं आपको समय से मिल सके। और अभी मैं जल्द ही मैं स्मार्टफोन का रिव्यू और स्मार्टफोन टेक के बारे में स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उससे रिलेटेड भी सारी की सारी क्वेरी आपको वहाँ पे भी सॉल्व हो जाएंगी। तो जितनी भी इससे रिलेटेड अपडेट्स रिलेटेड यूट्यूब की अपडेट्स रिलेटेड मैं भी उस पर भी चर्चा करना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यूट्यूब की अपडेट्स नहीं मिल पाती हैं और वो चैनल क्रिएट करते हैं तो उनको वो भी अपडेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीज़ें धीरे 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 मैनेज होती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तो इसी तरीके से नॉलेज को गेन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।